Hi everyone, welcome back to Shine Classes. First of all, good evening to everyone. शुभ संध्या आप सभी को, राधे राधे, जय श्री कृष्णा. कैसे हैं फ्रेंड्स? बढ़िया हैं, आई होप बढ़िया होंगे. मौसम का लुफ्त उठा रहे होंगे, बारिश, बूंद, बर्फ सब कुछ गिर रही है. मैं 2 दिन आपकी क्लास नहीं कर पाई थी. रीज़न क्या है कि एट द एंड है मंथ का, मुझे काम बहुत ज़्यादा है और दूसरा लाइट का भी थोड़ा बड़ा इशू था, इस वजह से मैंने कंडक्ट नहीं किया. अभी हम यहाँ पर मिल रहे हैं, रात के 8 बज रहे हैं और आज है आपकी 21 मार्च. कल से नवरात्रि का त्यौहार प्रारंभ है. बढ़िया, अच्छा दिन है, शुभ दिन है. तो हम इन्हीं क्लासेस को भी कॉन्टिन्यूस करेंगे, रिजल्ट आपके देखने वाले हैं. आई होप इसी जो ये टर्म चल रहा है, नवरात्रि का आने वाला है, अच्छा दिन रहेगा और इसी में आपका रिजल्ट भी आ जाए तो बहुत अच्छा रहेगा. काफ़ी सुकून रहेगा कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ. वैसे पता, डर एक रहता है मन में. फिलहाल के लिए घबराइए मत, सकारात्मक सोचिए, सब कुछ अच्छा होगा, जो होगा उनके हाथ है. आइए शुरुआत करते हैं आज की इस क्लास को. यहाँ पर मैं चैप्टर 2 स्टार्ट कर रही हूँ. पेपर 1 का शैक्षिक मूल्यांकन की प्रक्रिया और विशेषताएँ से संबंधित कुछ टॉपिक्स हैं, जिसमें मैं काफ़ी कुछ फुल डिटेल में आपको डिस्कस करूंगी. थ्योरेटिकल सेक्शन है, बस हमें एक फटाफट एक बार से देखना है, बाकी एग्जाम के पहले हमें रिवाइज कर लेना है तो हम कर ले जाएंगे. बहुत प्रॉब्लम आपको नहीं होने वाली है. इस समय आप जुड़े हैं शानी क्लास साथ. लाइक शेयर सब्सक्राइब बिल्कुल ना भूलें. अगर कोई पहली बार आया, चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियोज को लाइक करिए, दोस्तों में शेयर करिए. PDF ये सारे आपको जो भी हैं पोल क्वेश्चन है सब टेलीग्राम पर मिलेगा. लिंक कमेंट बॉक्स में दिया है, कमेंट बॉक्स में ज्वाइन करिए, आपको हर चीज़ पता चल जाएगी. और पूरा नोट्स अगर आप चाहते हैं कि अभी आपको मिल जाए सभी सब्जेक्ट का, मैथ का 8 सब्जेक्ट आपके पेपर देने, 8ों के नोट्स आप चाहते हैं कि आपको मिल जाए, आपने बुक्स नहीं दी है, तो आप जाइए राज सर से कॉन्टैक्ट करिए और टेलीग्राम पर उनसे बात करके अपनी नोट्स को ले लीजिएगा. उनको बोल दीजिएगा सर नोट्स मुझे चाहिए, तो आपको नोट्स मिल जाएगी. आप फटाफट रिविजन करना शुरू करिए. मन हो तो लिखिए, नहीं मन हो तो प्रिंट करवाइए, नहीं मन हो तो कुछ मत करिए, बुक PDF में ही फॉर्म में रहने दीजिए और पढ़िए. दैट्स इनफ, बहुत प्रॉब्लम आपको नहीं होगी. चलिए फिर शुरुआत करते हैं अपने रिविजन्स की तरफ. आप लोगों ने जितना पढ़ा है अभी तक, जो भी पढ़ा है, अपना रिविज़न भी करते रहेगा. क्लास नहीं होती है तो आप अपनी पढ़ाई को जारी रखा करिए, इस बात को ध्यान रखिएगा. ठीक है फ्रेंड्स, चलिए. ये है चैप्टर 2, ये है शैक्षिक मूल्यांकन की प्रक्रिया. इनसे संबंधित कुछ कुछ बातें हैं जो हमें प्रश्न में आएंगी, वो हम डिस्कस करते हैं. आइए जानते हैं कि होता क्या है. दिया है शैक्षिक मूल्यांकन कैसी प्रक्रिया है, शैक्षिक मूल्यांकन क्या है, इनके बारे में समझते हैं. शैक्षिक मूल्यांकन एक प्रक्रिया है, एक प्रोसेस है, एक तरीका है, एक वे है, एक पद्धति है, एक विधि है, एक टेक्निक है, कुछ भी कह सकते हैं. शैक्षिक मूल्यांकन एक प्रक्रिया है जो शिक्षा प्रणालियों में शिक्षार्थियों के अधिगम की गुणवत्ता का मूल्यांकन करती है. ये एक ऐसा सिस्टम है, ये एक ऐसा प्रोसेस है, ऐसा तरीका है जो शिक्षा प्रणाली में, जो शिक्षा पढ़ाई का जो सिस्टम चलता है, पढ़ाने लिखाने का जो सिस्टम चलता आ रहा है, शिक्षार्थियों के अधिगम में, जो स्टूडेंट है उनकी लर्निंग में, उनकी लर्निंग और इम्प्रोवाइजेशन करना, उनकी क्वालिटी को और इंक्रीमेंट करना, करने का तरीका जो है वो मूल्यांकन करती है. इस प्रक्रिया में शिक्षार्थी के समक्ष सूक्ष्म दृष्टिकोण, छोटे छोटे पॉइंट ऑफ व्यूज़ को ले आना, रखना, दृष्टिकोण को सामने रखना, उनकी विचारधारा, संचार कौशल, बातें करना, उनकी बात को जानना, अपनी बात उन तक पहुँचाना, समस्या हल करने की क्षमता, प्रॉब्लम को सॉल्व करने का एक गुण, ताकि वह हर प्रॉब्लम से डरे ना, उसको सॉल्व करने का प्रयास करे, अन्य दक्षताएं मूल्यांकन में की जाती है. बहुत सारी चीज़ें हैं जो मूल्यांकन में, इस प्रक्रिया में हम विभिन्न विभिन्न छोटे 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 से लेकर बड़े तक जितने भी महत्वपूर्ण पहलू हैं, बिंदु हैं, उन पर हम गौर फरमाते हैं और हर एक चीज़ को ध्यान से करने का प्रयास करते हैं कि कहाँ पर क्या दिक्कत है, क्या करना है, कैसे करना है, सारी बातें हम वहाँ पर फुल डिटेल में डिस्कस करते हैं और उसी पर मूल्यांकन करके जाँच करते हैं, सलाह लेते हैं, अपनी बातों को रखते हैं और काफ़ी कुछ हमें देखने को मिलता है. तो ये एक अच्छी प्रक्रिया है जो आपके अधिगम को अच्छा बना सकती है, प्रभावशाली बना सकती है और आप अग्रसर तरीके से आगे बढ़ सकते हैं. आगे देखते हैं नेक्स्ट क्या है. चलिए तो इसमें कुछ चरण है. शैक्षिक मूल्यांकन की प्रक्रिया में निम्नलिखित चरणों से गुजरती है. जो मूल्यांकन का तरीका है जो चलता है, ये कुछ चरणों से, कुछ स्टेप से, कुछ फोर्थ मतलब एक स्टेप से होता होता चलता है, तो यहाँ पर हम देख सकते हैं. ठीक है, जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, पहला है विषय के आधार पर पाठ्यक्रम तैयार करना. जो विषय है, चाहे वो भूगोल का, साइंस का, हिंदी, किसी भी सेक्शन का, जो भी विषय दिया गया, उनके बेस से पहले तो आप एक सिलेबस को, एक पाठ्यक्रम को पूरा तैयार करो, जो कि अच्छी है. क्योंकि प्री प्लानिंग कोई चीज़ करते हैं तो वो एग्जिस्ट करती, काम होता है. तो विषय जैसा भी, उसके बेस पे पहले तो आप पाठ्यक्रम को तैयार करो. पाठ्यक्रम क्या है, क्या क्या चाहिए, हमको देखनी है. दूसरा है यहाँ पर है कि अध्ययन सामग्री बनाना और शिक्षार्थियों को प्रदान करना. जो मटेरियल जिसके थ्रू आपको पढ़ाना है, जो मीडियम है, उनको, वो शिक्षण सामग्री को बच्चों तक मुहैया करना, बच्चों तक देना. तीसरा पॉइंट क्या है, शिक्षार्थियों के अधिगम का मूल्यांकन करना. शिक्षार्थी के जो अधिगम है उनका मूल्यांकन करना, उनके बारे में जानना, उनकी लर्निंग को देखना, पूर्व ज्ञान को जानना, उसके बेसिस पे हर एक चीज़ को आगे करना काफ़ी अच्छा होता है.
चौथा पॉइंट है प्रदर्शन की गुणवत्ता के आधार पर शिक्षार्थी को बहुत तरह की प्रक्रिया प्रदान करना। जो बल प्रदर्शन मतलब जैसे कोई रिप्रेजेंट करना है, कोई कहीं पे आंसर देना है, या जिस प्रकार से आंसर रिजल्ट आ रहा है उसके वजह से जो शिक्षा है, जो एजुकेशन सिस्टम है, और जो बच्चे हैं उनको बहुत कुछ प्रतिक्रियाएँ देना, करने में सहयोग करना, तो काफ़ी हेल्प हो जाता है। बच्चे रिलेट करके सीख पाते हैं वहाँ पर, जो कि एक अच्छा पहलू है, मदद कर सकते हैं हम कई तरीके से। अब आइए कुछ और बातें देखते हैं। पाँचवा पॉइंट है प्रतिक्रिया का उपयोग करके अधिक संवेदनशील शिक्षण उपायों का उद्धरण करना। मतलब आप प्रतिक्रियाएं जो एक्टिविटीज है उनको यूज़ करिए अपने पढ़ाने के कार्यक्रम में, विषय में, फिर आप उनको जो है अपने शिक्षा में ले आइए, खुद पहले करिए, फिर बच्चों को भी करने के लिए, तो कई तरीके से आप कर सकते हैं जो हेल्पफुल है। आइए फिर आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर एक छोटा सा टॉपिक था जो मैंने आपके साथ फुल्ली डिस्कस किया, आगे देखते हैं यहाँ पर क्या चीज़ें हैं। नेक्स्ट टॉपिक है आज का शैक्षिक मूल्यांकन की कुछ महत्वपूर्ण विशेषताएं हैं जो निम्नलिखित। आपको प्रश्न आएगा कि शैक्षिक मूल्यांकन की कुछ विशेषताएं बताइए, कोई दो विशेषताएं बताइए, तो आपको ये चीज़ वहाँ पर लिखनी होगी, समझना होगा, तो हर चीज़ें आपको क्लियरली समझ में आ जाएगी। शैक्षिक मूल्यांकन की कुछ महत्वपूर्ण विशेषताओं में क्या क्या चीज़ें होंगी, उस बात को हम यहाँ पर ध्यान देंगे पॉइंट वाइज। तो सबसे पहला जो पॉइंट है विशेषता में वो है सटीकता। सटीकता से क्या आप समझते हैं कि हर चीज़ क्लैरिटी के साथ हो, हर चीज़ क्या हो, बहुत ही क्लियर हो, समझ में आए बात, क्या थॉट प्रोसेस है, क्या क्या चीज़ें हैं वो पूरी क्लियर हो। शैक्षिक मूल्यांकन अत्यंत सटीक होना चाहिए। जब आप मूल्यांकन कर रहे हैं, करवा रहे हैं, आप मूल्यांकन हो रहा है, तो चीज़ें एकदम सटीक होनी चाहिए, टू द पॉइंट होनी चाहिए, अप्रॉक्स में नहीं होना चाहिए, ताकि शिक्षार्थी के अधिगम का सही मूल्यांकन, ताकि पता चल सके कि बच्चे का स्तर कहाँ है, बच्चा किस लेवल तक है, कहाँ तक है, क्या सीख रहा है, किसको क्या और बताना है, किस बच्चे में क्या कमियाँ हैं, उन चीज़ों को भी ध्यान रखना है। तो पहला पॉइंट जो है वो सटीकता का यहाँ पर है कि शैक्षिक मूल्यांकन अत्यंत सटीक होना चाहिए, ताकि शिक्षार्थी का अधिगम प्रॉपर तरीके से सही हो पाए, बच्चे सीख पाए, लर्न कर पाए, और अपनी कमियों पर गौर फरमाते हुए काम कर पाए। जब हमें कोई हमारी कमियाँ रहती है, बार बार कोई बताता है, तो हम एक बार सोचते हैं और हमें सोचना चाहिए, उन लोगों से दूर नहीं होना चाहिए, हमें सही बातें बताते हैं, जैसे कि हमारे पेरेंट्स हैं, हमें बेटा ये गलत है, ये गलत है, नहीं करना, तो हम सोचते हैं, उस पर कार्य करते हैं, तो हमारा मूल्यांकन सही तरीके से माँ बाप करते हैं, बहुत टीचर्स भी करते हैं। आगे देखते हैं विशिष्ट मानदंड। शैक्षिक मूल्यांकन के लिए विशिष्ट मानदंड निर्धारित है। इन जैसे मूल्यांकन कोई हो रहा है तो एक क्राइटेरिया तो है कि 10 में से कितना नंबर मिल रहा है या 20 में से कितना नंबर मिल रहा है, जितना पूर्णांक होगा टोटल उतने में से तो एक मूल्यांकन डिसाइडेड होता है कि इतने में आपको नंबर मिल रहा है। तो विशिष्ट मानदंड है कि बच्चा इस लेवल तक का क्रॉस कर लेगा तो ये टॉप 1 में जाएगा, यहाँ तक क्रॉस करेगा तो और टॉप पर जाएगा, जो शिक्षार्थी के अधिगम की गुणवत्ता को मापने में, जो बच्चे की क्वालिटी है उसको मेजर करने के लिए विशिष्ट मानदंड का क्राइटेरिया बहुत अच्छा होता है, क्योंकि हम टिक कर लेते हैं कि अच्छा इस बच्चे को इतना ग्रेस है, या इतना पावर मिला है, या इतना नंबर मिला है, या थर्ड में इतना था, पहले ये क्लास में फर्स्ट आ रहा है, मॉनिटर है, जो भी चीज़ें हैं एक एनालिसिस वे में समझ में आ जाता है, या पहले रिजल्ट से भी हम एनालिसिस कर पाते हैं, या उसके रिस्पॉन्स देने के बेस पर भी हमें समझ पाते हैं किस तरीके से बच्चा प्रतिक्रिया रख रहा है, होमवर्क कर रहा है, क्लास में कैसे पार्टिसिपेट कर रहा है। तो एक मानदंड क्राइटेरिया हम खुद से निर्धारित करते हैं, फिर उसके बेसिस पर जो चीज़ें आती हैं उन बच्चों को फिर उस लिस्ट में डालते हैं, जो दिक्कतें होती हैं उस चीज़ को हम यहाँ पर देख लेते हैं। आगे बढ़ते हैं। दो पॉइंट हमने यहाँ पर क्लियर देख लिया, समझ लिया, डिस्कस कर लिया। नेक्स्ट तीसरा है विवेचनात्मक। ये क्या है? शैक्षिक मूल्यांकन विवेचनात्मक होना चाहिए, ठीक है? शैक्षिक मूल्यांकन विवेचनात्मक होना चाहिए, ताकि शिक्षार्थी की दक्षता के अलावा उनकी समस्या और कमियों को भी समझा जाए। हम मतलब ये नहीं कि सिर्फ अच्छे अच्छे फैक्टर्स को ही नहीं मदद करना, हमको हर एक चीज़ को मदद करना है, ताकि आप समझ पाओ, दिक्कत आपको ना हो, समस्याओं की जो कमियां हैं। मूल्यांकन हम इसीलिए करते हैं ताकि आप इस टाइम को देखो, समझो, अपनी कमियों को एनालिसिस करो, अपनी कमियों को सामने लाओ, उस कमी पे वर्क करो, तो वो चीज़ विवेचनात्मक में आ जाती है। अगर सिर्फ हमें अच्छी अच्छी बातें बताई देंगे तो हमें लगेगा हम तो परफेक्ट हैं, हम जानेंगे कैसे, तो हमें इस चीज़ों को ध्यान रखना चाहिए, ठीक है? आगे बढ़े इसी के साथ, चलते हैं आगे, देखते हैं। यहाँ पर तीन पॉइंट आपके बहुत ही क्लियरली हो गए। फोर्थ पॉइंट क्या है देखते हैं। नेक्स्ट जो पॉइंट है विशेषता का वो है आधुनिकता। अब ये क्या है ये जानते हैं। शैक्षिक मूल्यांकन को आधुनिक तकनीकियों का उपयोग करके अपनी प्रक्रिया को अद्यतन और तेज बनाए रखना चाहिए। जी हाँ, मतलब ये है कि हम नई टेक्नोलॉजी को यूज़ करके, नई चीज़ों को देखकर, हमारी चीज़ों जब करते हैं तो उसके साथ हम समय के साथ तेज चल पाते हैं, हर चीज़ को देख लेते, ताकि दिक्कत नहीं होती है, ठीक है? प्रॉब्लम क्या होता है कि जब हम जैसे बहुत सारी टेक्नोलॉजी से नहीं अवगत रहते तो कार हमारा बोरिंग हो जाता है कभी कभी, कभी कभी हमें नहीं करने का मन होता है, नहीं, लेकिन अगर वही टेक्नोलॉजी को भी मिल जाती तो हम शायद उसको काफ़ी आसानी से कर लेते हैं और मन भी लगा जाता है कि नहीं हमें उस चीज़ को करना है। तो आधुनिकता का लाभ भी उठा लेना चाहिए, तो यहाँ पर बात चीज़ें काफ़ी क्लियर हो जाती हैं। तो ये आपका चौथा पॉइंट हो गया। आगे बढ़ते हैं। प्रतिस्पर्धात्मक यानी कि कॉम्पिटिशन। अब ये क्या है?
इसकी क्या विशेषता यहाँ पर ध्यान रखेंगे, तो यहाँ पर एक बात ये ध्यान रखनी है कि शैक्षिक मूल्यांकन में कंपटीशन होता है। जी हाँ, जब हम मूल्यांकन करते हैं तो काफ़ी चीज़ें हम ध्यान रखते हैं, शिक्षार्थी को उनके वर्तमान जो प्रेजेंट उनका स्तर है और उनके साथ ही जो छात्रों से तुलना करने की अनुमति भी देते हैं। कभी क्या होता है कि जैसे टॉप वन पे, रैंक वन पे, रैंक टू पे कोई आ रहा है 2 नंबर 3 नंबर से, तो हमारे को थोड़ा सा देखो जेलसी होना गलत चीज़ नहीं है, अच्छी बात होती है। ठीक है, अगर आप कई बार हर क्लास में फर्स्ट आ रहे हो तो आपका हर बार ही मन होता है आप टॉप पे आओ। ठीक है, लेकिन कभी कभी 1 नंबर 2 नंबर से कोई आगे हो जाता है तो ये कॉम्पिटिशन मतलब फिर लड़ाई में नहीं उतारना है, ताकि आप उसको उसको कम्पीट करना है तो पढ़ाई के बल पर करना है। तो कंपटीशन की भावना भी एक विशेषता के तौर पर अच्छी भी ले सकते हैं, कुछ लोग इसको बुरी ले लेते हैं, लेकिन ये भी बहुत ज़रूरी है। इसीलिए जब आप क्लासरूम में पढ़ते हैं ना तो उसका एक माहौल अलग ही होता है। ऑनलाइन क्लासेस में अब नहीं ऑप्शन है तो बात अलग है, लेकिन ये है कि जब हम क्लासरूम में पढ़ते हैं तो शायद उसका माहौल अलग होता है और हम कई बच्चों को अपने ज़्यादा देख पाते हैं तो मन भी करता है, एक रिफ्रेशमेंट मिलता है, वो काफ़ी अच्छा होता है। आगे चलते हैं, मापने की विधियों का विस्तार। शैक्षिक मूल्यांकन में अलग अलग मापने की विधियों का विस्तार होता है, मतलब जैसे अगर पढ़ाई लिखाई का कोई क्राइटेरिया मापना है तो आप इतने में से इतना देखोगे, लंबाई चौड़ाई नापनी है तो कुछ अलग देखोगे, और भी कोई चीज़ बुद्धिमत्ता देखनी है, समझदारी देखनी है, तो हर विधियों का तरीका अलग है, सबका विस्तार अलग है, सबका सेक्टर अलग है। जो छात्र अपनी शिक्षा के अंतिम मूल्यांकन की समझ बढ़ाते हैं, जैसे छात्र क्या होता है कि जो उसके अंतिम लास्ट तक मूल्यांकन होता है, एनालिसिस होता है, उस पर पैसे से वर्क करता है, समझता है, तो चीज़ें अच्छी हो जाती हैं, क्योंकि विभिन्न पहलू है ना, आप हर एक चीज़ का एक निर्धारण करके या एक चीज़ को मितर करके सबका रिजल्ट नहीं देख सकते हैं ना, आपको अलग अलग चीज़ें बतानी होंगी, उसी पैसे से ये चीज़ यहाँ पर है कि विस्तार बहुत ज़्यादा होता है विधियों का और हर चीज़ को नापने का अलग अलग क्राइटेरिया होता है। विवेकपूर्ण मूल्यांकन, अब ये क्या है? सातों है, मैंने यहाँ पर कई सारे आपको विशेषताएं ली, आपको इसमें से 2-3 ज़रूर याद रखनी है, जो आपको बेस्ट लगे आप उस तरीके से लिख पाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं, मैंने कई ढूंढी है, जो आपको बेस्ट लगे वही आप याद कर लेना। विवेकपूर्ण मूल्यांकन ये क्या होता है, ये ध्यान रखना, शैक्षिक मूल्यांकन विवेकपूर्ण होना चाहिए। जी हाँ, ये बुद्धिमत्ता से भरपूर होना चाहिए, ताकि छात्रों की संभावित अधिगम क्षमताओं का उल्लेख, ताकि जो उनकी अधिगम क्षमता है, लर्निंग एबिलिटी है, उनके बेसिस पर वर्क हो सके, समझा सके, और उनको हर एक बात बहुत ही क्लियर तरीके से समझाई जा सके, बताई जा सके। क्योंकि अगर आप विवेकपूर्ण तरीके से नहीं करेंगे और सिर्फ एक पैमाना दे दिया गया उतने लेवल तक ही जाँच करेंगे, तो शायद अच्छा मूल्यांकन आप बच्चे का नहीं कर पाएंगे और सभी बच्चे का नहीं कर पाएंगे, क्योंकि सभी बच्चे बौद्धिक स्तर से अलग अलग तरीके के होते हैं। आगे देखें, निष्पक्षता यहाँ पर क्या है, 8वां पॉइंट आपका क्या है, शैक्षिक मूल्यांकन में निष्पक्षता बहुत महत्वपूर्ण होती है। जी हाँ, ताकि छात्रों का मतलब ये है कि कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए, ये आपका फेवरेट बच्चा है या वो हर साल क्लास में फर्स्ट आ रहा है तो वही अच्छा होगा, बाकी बच्चे खराब होंगे, ऐसा नहीं, क्योंकि प्रोग्रेस होती रहती है, सही बच्चे धीरे धीरे सीखते रहते हैं, हर बच्चा प्रयास करता है कि हम आगे बढ़ेंगे, बेस्ट तरीके से करेंगे, तो ऐसा नहीं करना चाहिए कि हम जो है कोई बच्चा खराब है या कुछ है या वो जो पहले अच्छा था उसी की तारीफ करें, ऐसा कुछ नहीं, सारे बच्चे टीचर की नज़रों में बराबर होते हैं। आप यहाँ पर ध्यान रखना कि कभी भी ऐसे कोई भेदभाव आपको नहीं करने होंगे, ठीक है, ध्यान रखिएगा, बहुत ही क्लियर तरीके से आपको ध्यान रखना होगा। आगे बढ़े फिर इसी के साथ, यहाँ तक सिंपल बातें आपको क्लियर हो गई, चलिए देखते हैं आगे पॉइंट क्या है यहाँ पर, प्रोत्साहन। अब ये क्या होता है, शैक्षिक मूल्यांकन प्रोत्साहनात्मक होना चाहिए। जी हाँ, अब मोटिवेशन टाइप का, वो जैसे मूल्यांकन होता है, कभी टीचर हमारा मूल्यांकन करता है तो हमें डांटने का भी वो होता है कि हमें डांट पड़ने के चांसेस रहती है, तो डांटो लेकिन समझता समझाते हुए डांटो, एकदम स्ट्रिक्ट नहीं कि क्लास नहीं आना बाहर खड़ा कर दो, ये कोई तरीका नहीं होता, ये तो डर पैदा करना हो जाएगा। आप ढंग से समझाओगे तो बच्चा शायद समझ लेगा और हर चीज़ को कर भी पाएगा। आगे बढ़ते हैं इसी के साथ, चलिए यहाँ तक कि 9 पॉइंट मैंने आपके लिए, 9 पॉइंट मैंने आपको क्या बताया, मैं विशेषता के बारे में आपको बता रही थी कि मूल्यांकन की विशेषता क्या होती है। तो पहली विशेषता है सटीकता, कि काफ़ी सटीकता होनी चाहिए, अप्रॉक्स में नहीं होना चाहिए मूल्यांकन, मतलब 0.9 आगे पीछे नहीं, जो है वो पूरा सर्टिफाइड होना चाहिए। विशिष्ट मानदंड कुछ क्राइटेरिया होना चाहिए कि हम इसके बेसिस पे जांच करें कि ये क्वालिटी उसमें है या ये कार्य वो कर पा रहा है। फिर तीसरा विवेचनात्मक, चौथा आधुनिकता, समय के साथ मॉडर्न चीज़ों को, मॉडर्न विधियों को इस्तेमाल करते हुए करना चाहिए। फिर कॉम्पिटिशन की भावना भी होनी चाहिए, मापने की विधियाँ अलग अलग तरीके की होनी चाहिए, विवेकपूर्ण मूल्यांकन करना चाहिए और निष्पक्षता होनी चाहिए और प्रोत्साहन भी होना चाहिए, ताकि बच्चे डरे ना, वो उसके सीखने का प्रयास करें, बच्चे खुद कहें कि मेरा कितना हुआ मेरा कितना हुआ, तो वो एक अलग चीज़ होती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं मूल्यांकन के महत्व की। ये आपका तीसरा टॉपिक है आज का, कि मूल्यांकन का आखिर महत्व क्या है, इतनी इंपॉर्टेंस इसकी क्या है। आपको लिखने को आएगा मूल्यांकन के कोई 2 महत्व बताइए, मूल्यांकन के महत्व से आप क्या समझते हैं। ऐसे प्रश्न आपको कई बार हर बार पूछने को मिले, जो कि थ्योरेटिकल तरीके से आपको लिखने होंगे।
आगे बढ़े इसी के साथ, चले चलिए क्लास पसंद आ रही है, सिंपल बातें हैं, आप इनमें से पॉइंट्स को ले सकते हैं, पॉइंट्स को याद रख सकते हैं, फिर बातों को कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर कुछ महत्वपूर्ण बातें यहाँ पर दी गई इन क्षेत्र से संबंधित, तो पहला है कि शिक्षार्थियों का उचित मूल्यांकन। महत्व यही है कि हम इससे बच्चों का एक फैक्चुअल, एक सही मूल्यांकन कर सकते हैं। जैसे मूल्यांकन के माध्यम से शिक्षार्थी की शिक्षा का मूल्यांकन किया जाता है और उसे उसकी उचित प्रतिक्रिया दी जाती है। जैसे हमारा टेस्ट लिया जाता है या हमारी कोई चीज़ जाँच की जाती है, तो हमें होमवर्क दिया जाता है या उस पर कार्य करने को हमें कुछ टास्क बताया जाता है, तो ये शिक्षार्थी के लिए अपने दोष को सुधारने के लिए, उनकी कमियों को दूर करने का एक मौका भी देते हैं। आप बच्चे को मौका तो दो कि वो उस गलती को दोबारा रिपीट ना करे, तो ये मूल्यांकन के ज़रिए ही हो सकता है। आप मूल्यांकन जब करेंगे तभी बच्चे की उस कमी को दूर पाएंगे, बच्चा फिर से वर्क करेगा क्योंकि आप उसको होमवर्क देंगे तो वो उसी को सुधारेगा। जैसे हम गलती करते थे तो का नहीं बोलते, मैम हमारी का फिर से देती थी हमको बनाने के लिए, बार बार याद आ रहा है वो दिन, छोटे बकली देगी फिर लाइन बनाने को देगी मैम, तो हम लोग वही काम करते थे। तो मूल्यांकन भी हमारा टेस्ट होता है, टेस्ट से पता चलता है कि हमारा कौन सा विषय तैयार है, कौन सा नहीं तैयार है, हमें कहाँ पे और पढ़ना है, तो ये चीज़ें काफ़ी हेल्पफुल होती। तो आपको याद क्या रखना है कि मूल्यांकन का महत्व, शिक्षार्थियों का उचित मूल्यांकन, इतना याद रखना। बाकी ये चीज़ें आज समझनी है, इसको बना कर लिखना होगा, ठीक है, एक पॉइंट। दूसरा ये शिक्षा नीतियों और पाठ्यक्रम में सुधार करना, जी हाँ ये भी बहुत ज़रूरी है। मूल्यांकन के माध्यम से, मूल्यांकन के तरीके से, बेसिस पे शिक्षा की जो नीतियाँ हैं, जो पॉलिसी है, जो पाठ्यक्रम में महत्वपूर्ण दोषों का पता चलता है, जैसे कभी कभी सिलेबस हमें बोरिंग लगता है, कभी कभी सिलेबस को चेंज करना चाहिए, स्तर के हिसाब से सिलेबस नहीं रहता है, छोटे में बड़े का, बड़े का छोटा में, तो कुछ ऐसी भी चीज़ें बाद में देखने को मिलती हैं, तो उसके बेसिस हमें जो नीतियाँ हैं, जो तरीके पुराने चले आ रहे हैं, उसमें चेंज लाने के लिए और पाठ्यक्रम में नई चीज़ों को ऐड करने के लिए जो समय के साथ चल रही हैं, ताकि बच्चे का विकास हो, बच्चे का विकास होगा तो देश का विकास होगा। तो ऐसे बहुत सारे पहलू होते हैं जब हम मूल्यांकन करते हैं, पढ़ते हैं, पढ़ाते हैं, तो सीखते हैं कि यहाँ पर ये नहीं, ये चीज़ होना चाहिए, तो वो शायद ज़्यादा अच्छा होगा। तो ये इस सब चीज़ों के लिए भी मूल्यांकन बहुत महत्वपूर्ण रखता है और बहुत महत्वपूर्ण है भी। दो पॉइंट हो गया, आगे बढ़ते हैं तीसरा, अध्ययन की गुणवत्ता का मूल्यांकन। जी हाँ, इसमें क्या है कि मूल्यांकन के माध्यम से अध्ययन की गुणवत्ता का मूल्यांकन हम करते हैं, करते आ रहे हैं और करते रहेंगे। कैसे? जिससे शिक्षकों को अध्यापन की गुणवत्ता का पता चलता है, उसे सुधार से, मतलब जो टीचर पढ़ा रहा है, एनालिसिस होता है, टीचर आता है, उसका इंटरव्यू होता है, बहुत सारी चीज़ें हर जगह होती है, चाहे प्राइवेट हो चाहे सरकारी हो, तो कितना आता है कितना नहीं, तो टीचर आए, सैलरी भी ले ले, पढ़ाए भी कुछ ना, गलत बताए, तो ये कहीं ना कहीं गलत होगा। तो अध्ययन की गुणवत्ता को भी जाँचना और शिक्षकों के लिए भी काफ़ी हेल्पफुल होता है कि वो पढ़ा पा रहे नहीं पढ़ा पा रहे, हो सकता है कि उस विषय में उनको कम ही नॉलेज हो, तो कुछ ऐसी चीज़ें भी काफ़ी हेल्पफुल होती हैं, तो ये उनके लिए भी ज़रूरी है। मूल्यांकन का सिर्फ मतलब ये नहीं है कि सिर्फ आप बच्चे पे ही अप्लाई करो, ठीक है, शैक्षिक मूल्यांकन ये बात नहीं कही गई है कि ये सारा मूल्यांकन बच्चे पे, हाँ हम बच्चों के ऊपर पढ़ रहे हैं लेकिन सब बच्चों पे ऊपर अप्लाई करें ये तो उचित नहीं है, तो हमको हर जगह अप्लाई करना होगा जहाँ इसकी ज़रूरत पड़ रही है। आगे बढ़े, चौथा पॉइंट है शिक्षा के लक्ष्यों की प्राप्ति, एम तक पहुँचाने के लिए बहुत ज़रूरी है। मूल्यांकन के माध्यम से शिक्षा के लक्ष्य तक हम पहुंचा सकते हैं, बच्चे का क्या गोल है, हमें यहाँ तक पहुंचना है, अचीव करना है, 90% हमको डीएड थर्ड सेमेस्टर है, 90% हमको डीएड सेकंड सेमेस्टर बनाना है, हमारा फर्स्ट में 90-95 बना है तो हमको सेकंड में और मेहनत करनी है, 95 पे नीचे नहीं आना चाहिए, तो हम ऐसा क्राइटेरिया बनाते हैं, मन में मोटिवेशन ले आते हैं और करते हैं, होता है, आप अगर सोचेंगे पॉजिटिव वे में करेंगे तो कर ले जाएंगे। तो लक्ष्य तक पहुंचाने के लिए भी मूल्यांकन बहुत ज़रूरी है, ठीक है, ये मूल्यांकन क्या है, एक एंटीडोज है एक प्रकार से, जो हमको आपके गोल तक पहुंचने में काफ़ी तरीके से आपकी हेल्प कर रही है। आगे बढ़ते हैं, तो पांचवा पॉइंट है अधिकतम उपयोग, मूल्यांकन उपयोगी होता है बहुत ज़्यादा, क्योंकि इससे लोगों के उनके काम के प्रदर्शन की जानकारी मिलती है और उन्हें काम की गुणवत्ता बढ़ाने के लिए समझौता करने की समझ मिलती है, मतलब अधिकतम उपयोग से हमें क्या ज़रूरी है, क्या तुरंत तत्काल के लिए ज़रूरी है, क्या तुरंत करना है। देखिए सारे सामान को खरीद के लेके आके करो कि बाद में यूज़ करेंगे वो गलत है, जो तुरंत ज़रूरी है उस चीज़ को ले आओ, उस चीज़ को उपयोग करो, जिस सब्जेक्ट में दिक्कत है उस सब्जेक्ट को तुरंत बैठो, ये मत सोचो कि पहले भी अलग करते बाद में वो, नहीं, आपकी जो गलतियाँ हैं, जो कमियाँ हैं, जो विषय कमज़ोर है उस पर पहले फोकस करो। मैथ आपको कमजोर है, मैथ में आप हर बार फंस जाते हैं, तो मैथ को आप डेली लगाइए, बाकी सब्जेक्ट को डेली पढ़ने की जरूरत नहीं है। जब आप मैथ में फर्स्ट में देखे बैक लग गई, सेकंड में देख रहे हो रिजल्ट अभी नहीं आया है, थर्ड में भी दिक्कत हो रही है, तो मैथ को आप डेली पढ़ो ना, कमिट कर लो अपने आप को कि मैं 3 घंटे 2 घंटे मैथ डेली लगाऊंगा, दिक्कत क्या है।
आखिर आपको जब नंबर गिन गए भाई, देखो ये बात तो क्लियर है कि कुछ पाने के लिए कुछ तो पेन लेना पड़ेगा। तो मैथ लगाइए, देखिए बहुत सारी क्लासेस है, बहुत कुछ अवेलेबल है, और यूपी बोर्ड की मैथ की बुक ले आइए, वहाँ से लगाने का प्रयास करिए तो आपकी हेल्प होगी। ठीक है, आगे चलते हैं। तो प्रगति के मानदंड, ये क्या है? मूल्यांकन लोगों को उनकी प्रगति के मानदंड प्रदान करता है, उनको बताता है कि आप किस लेवल तक पहुंच पाए हैं, कितना आपने ग्रोथ कर लिया, कितना आप बिजनेस, कोई मीटिंग होती है या कोई बिजनेस हो रहा है, कोई प्रोजेक्ट चल रहा है, कितने हेड तक काम हुआ, तो सब जाँच हो चाहिए ना, तो उनके उद्देश्य तक पहुंचाने के लिए आवश्यक जानकारी भी देना कि अच्छा आपने अच्छा ये इतना कर लिया, अब ये चीज़ हमें कहा जाता है। जैसे प्रोजेक्ट में हम काम करते हैं तो हमें सारी चीज़ें एक साथ नहीं दी जाती, तो कहा जाता है कि आप करो, जहाँ फंसना मुझे ज्वाइन करना। तो हम लोग काम करना शुरू करते हैं फटाफट फटाफट, देखते हैं थोड़ा दोस्त से पूछेंगे नहीं फंस गए कहीं, सीनियर से पूछेंगे तो उनसे पूछेंगे नहीं हो पाया, तो वहाँ पर बताएंगे कि सर यहाँ जो HOD होते हैं, HR होते हैं, उनसे बोलते हैं कि सर यहाँ दिक्कत लग रही है, तो वो हमारी फिर हेल्प करते हैं, स्क्रीन शेयर होती है, बहुत कुछ होता है। तो मतलब क्या है कि हमको शुरू में सब कुछ नहीं दे देते हैं कि लो शालिनी सब मिला है और पका पका, और नहीं, शालिनी को मेहनत करनी पड़ती है, फिर एक एक चीज़ को हम सर्च करते हैं, कार्य करते हैं, तब उस चीज़ को बनते हैं। तो यहीं पर यहाँ पे है कि आपके उद्देश्य को पहुँचाने के जैसे जैसे आपका स्तर बढ़ता जाएगा वैसे वैसे आपको उसी स्तर के हिसाब से हेल्प मिलती जाएगी। ठीक है डियर, क्लास 5th में हो तो 5th तक की तो नॉलेज देंगे, 10th की नॉलेज थोड़ी देंगे, जब 10th में जाओगे तब 10th के बारे में बताएंगे ना, तो वही चीज़ है। आगे बढ़े, 6 पॉइंट यहाँ पर क्लियर हो गया। आगे बढ़ते हैं, 7वां पॉइंट देखते हैं, निष्पक्ष मूल्यांकन। यहाँ पर है कि आपका मूल्यांकन क्लियर साफ होना चाहिए, उचित तरीके से होना चाहिए, समान अवसर के लिए होना चाहिए, बच्चों में कोई मतभेद नहीं होना चाहिए कि उनको ज़्यादा ना, उनके फलाने के लड़के हैं तो उनको ज़्यादा नंबर दे दिए, हमको कम दे दिए, लड़की ज़्यादा सुंदर है तो उसको ज़्यादा नंबर दे दिए, हमको कम दे दिए हैं, बहुत मीठा मीठा बोलती उसको दे दिए, तो ऐसा कोई भेदभाव बच्चों के साथ नहीं करना चाहिए जो कि गलत है। मुँह से आप चाहे जो कहो या जो भी चीज़ें हैं, पहले बात कहो ही नहीं, ताकि बच्चों के दिमाग में ये बात आएगी ही नहीं, तो एकदम क्लियर और साफ मूल्यांकन होना चाहिए। ठीक है, प्रबंधन और नियंत्रण, मूल्यांकन विभिन्न संगठन और उनके कार्यक्रम को प्रतिबंधित और नियंत्रित करने में मदद करता है। जी हाँ, मूल्यांकन से क्राइटेरिया रहता है कि हमको मूल्यांकन करना है, अंड में, महंत में, हफ्ते भर में होता है, जहाँ पर हमको एक निश्चित दायरे के अंदर रहकर हर एक चीज़ को करना होता है और सभी स्तर पर होता है। चलिए, तो ये आपका मूल्यांकन के महत्व के, मूल्यांकन से संबंधित जो महत्व है उनके 8 पॉइंट हो गए। 8 पॉइंट में कोई आप 3 या 4 याद रखिए, इतना इनफ है फ्रेंड्स, आप बनाकर बहुत बढ़िया लिख लेंगे। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं एक नेक्स्ट टॉपिक है, वो है मूल्यांकन की आवश्यकता। आखिर इनकी नीड क्या है, इनकी नीड क्या है, आवश्यकताएं तो जानिए तभी आप उसकी इज्जत करें, जिस चीज़ की आवश्यकता होती है हम उसकी इज्जत करते हैं। तो यहाँ पर बहुत सारे कारण हैं जिनकी आवश्यकता को समझेंगे, आपको प्रश्न बनेगा मूल्यांकन की कोई 2 आवश्यकता बताइए, कोई 3, तो पहले आवश्यकता है उन्नति के लिए। जी हाँ, इसकी नीड है आगे बढ़ने के लिए, अचीव करने के लिए, गोल तक पहुँचने के लिए मूल्यांकन आवश्यक होता है, क्योंकि यह लोगों के काम की गुणवत्ता और उन्नति को मापने में मदद करता है। जी हाँ, कितना आपने सीखा, किस लेवल तक आप सीखे, ये मूल्यांकन के बेसिस पे आप जांच पाते हो, उसी के बेस पे आप लोगों में काम में सुधार कर सकते हैं और अपने कैरियर में आगे बढ़ सकते हैं। हम लोग जॉब करते हैं, हम भाई करते हैं, तो हमको क्या है कि हर मंथ में मेरी कितनी ग्रोथ हुई, सैलरी तो फिक्स है, लेकिन अगर और भी हमें काम करना, और पैसे कमाने, तो हमको और हाथ पैर मारना होगा ना, तो सोचते हैं अच्छा मेरा इतना हो गया, ये वाला महीने मुझे कुछ लेना है, बड़ा कुछ अचीव करना था, इतने का बजट रखते ही कर, तो सोचते हैं ना कि इतने लेवल तक पहुँचे, थोड़ा और प्रयास करते, 10-5 हज़ार जितनी सैलरी रहती है, इंसान हर इंसान सभी को इंसान की ज़रूरत होती है, सभी इंसान सोचते हैं ना अच्छा कि हर साल वो इंक्रीमेंट होता है हम लोगों का, तो इतना इंक्रीमेंट हो गया, अच्छा थोड़ा और मेहनत कर लें तो क्या हमारी ये जो इतना लाख का पैकेज है थोड़ा इतने लाख का हो जाए, तो काम करते हैं कि नहीं करते हैं, सोचते हैं कि नहीं सोचते हैं, मजाक थोड़ी है। तो उन्नति के लिए बड़ा ज़रूरी होता है, हमारी भी प्रोग्रेस रिपोर्ट होती है, हर महीने की प्रोग्रेस रिपोर्ट होती है कि फला नाम की लड़की है, इतना इसका प्रोग्रेस, इतना प्रोजेक्ट की, इतना काम की, इतनी मीटिंग अटेंड की, इतना ये इतना वो, तो ये उन्नति के लिए काफ़ी अच्छा होता है। तो ऐसे रिपोर्ट कार्ड भी निकलता है, एनुअल एग्जाम होता है, सेमेस्टर एग्जाम्स होता है, तो काफ़ी आपके अचीवमेंट के लिए अच्छा है। दूसरा है समानता के लिए, ये इक्वालिटी के लिए ज़रूरी है, मूल्यांकन समानता बढ़ाता है, विभिन्न विभाग और लोगों के बीच में निष्पक्षता लाता है और उनके संगठन की कार्यवाही में समान मानदंड, मतलब जैसे मानदंड है तो बच्चों को सब बच्चों को रहता है हम ज़्यादा तुमसे, इससे अच्छा है कि जब टेस्ट होता है, मूल्यांकन होता है, जाँच होती है, तो समझ में आता है कौन किस लेवल का, किस स्तर का है, तो उससे भी जो है समानताएँ भी देखने को मिलती है, अरे यार बराबर बराबर तो है। ठीक है, संचालन की के लिए मूल्यांकन उच्च स्तर के संचालन के लिए, उनके नियंत्रण के लिए बहुत हाई लेवल के कार्यों को करवाने के लिए और उनको कंट्रोल में रखने के लिए बहुत ज़रूरी है। संगठन के द्वारा अधिकांश कार्यों को निर्धारित लक्ष्य तक संचालन में मदद करता है और उन्हें संशोधित करने के लिए आवश्यकता होती है, बहुत हेल्प होती है। मतलब जैसे कोई ऑर्गेनाइजेशन है, काम कर रहा है, पैसे लगा रहा है, तो वो किस लेवल तक लगाएगा, कहाँ तक ले जाएगा, कंट्रोल कैसे करेगा, इस चीज़ों के लिए भी इसकी मूल्यांकन की बहुत ज़रूरत पड़ती है। आगे चलते हैं, तो फ्रेंड्स इसके मैंने 3 ही पॉइंट लिए थे आपको, बेसिक में सिंपल साधारण।
आपकी आज की ये क्लास मैं यहीं पर करना चाहती हूँ ओवर। मैंने आज आपको क्या पढ़ा है मैं एक बार रिकॉल करती हूँ। आज हमने यहाँ पर चैप्टर टू की स्टार्टिंग की, जो कि चैप्टर टू अभी काफ़ी लंबा है और चलेगा, तो जिसमें हमने सबसे पहले जाना कि शैक्षिक मूल्यांकन की प्रक्रिया क्या होती है, एक छोटी सी डिफिनीशन, उससे संबंधित कुछ हमने मुद्दे देखे, ये हमने परिभाषा देखी, फिर कुछ चरण देखे, फिर हमने जो नेक्स्ट टॉपिक आज कवर किया वो उसकी विशेषताओं पर चर्चा की। विशेषताएँ क्या हैं, आप 2, 3, 4 कोई भी विशेषता याद कर सकते हैं और लिख सकते हैं, दूसरा टॉपिक हमारा हो गया। फिर तीसरा टॉपिक जो हमने आज की इस क्लास में कवर किया वो है आवश्यक महत्व, मूल्यांकन का आखिर महत्व क्या है, तो ये हमारा तीसरा टॉपिक आज का हो गया, क्लियर। चौथा टॉपिक जो हमने पढ़ा वो लास्ट हमारा जो था वो था इसकी आवश्यकता, तो मैंने आपके मूल्यांकन की आवश्यकता को भी यहाँ पर ले लिया। तो ये पेपर वन है, हम अब 50 नंबर वाले पेपर पर ज़्यादा वर्क करेंगे, हर चीज़ को समझेंगे, जानेंगे, हर चीज़ को देखेंगे। क्लासेस आपकी कंटिन्यू होगी, परेशान ना होइए, 2 दिन नहीं हो पाई लेकिन उसको मैं कवर करके फटाफट आपको हर चीज़ बताऊँगी, सिखाऊँगी। मिलते हैं फिर कल रात में 8 बजे। क्लास कैसी लगी बताइएगा, लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें, नोट्स लेनी टेलीग्राम पर रास्ता से कॉन्टैक्ट करें, नोट्स लें, पढ़ना शुरू करिए, क्लासेस आपकी होती रहेगी, गाइड आपको हेल्प आपको मिलती रहेगी जैसा हम कर रहे हैं, ताकि हर चीज़ जैसे भी एग्जाम की कोई डेट आएगी कुछ भी होगा तो हम आपसे शेयर करेंगे बताएंगे। बाय बाय, टेक केयर, बेस्ट ऑफ लक, गुड नाइट।